नमस्ते नमस्कार जुले, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन विलेज में। तो आज ले चलते हैं आपको भावा वैली किन्नौर के कंडे मुलिंकारा में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस जगह का नाम है ग्यारे और ये है हमारी प्यारी भावाखंड। कड़गांव से ग्यारे तक पहुंचने में मुझे मैक्सिमम 50 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि गाड़ी में आए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रैक। मुझे जाना है अब उस पार, इस पुलिया को पार करके। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, सुना है बहुतों को ले डूबी है, तो यही सोच के मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। लग रहा है मुझे अपनी ओर खींच रहा है ये पानी। अब मुझे नज़ारे दिखना शुरू हो गए हैं। उन चोटियों को देख के लग रहा है जैसे मिठाइयों की तरह उन पर भी किसी ने सोने का वर्क लगा दिया हो। ये आई छोटी सी खड़, इसमें मुझे गिरने से ज़्यादा मेरे जूते भीगने का डर है। ये हम पहुंच गए हैं 3 से 3.5 घंटे में मुलिंग। अब यहाँ बैठ के हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कारा की ओर चलेंगे। यहाँ भावा वैली के लोग अपने पशुओं को कुछ टाइम के लिए छोड़ आते हैं और बीच बीच में अपने पशुओं का हाल देखने और उन्हें नमक खिलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कारा की ओर। कारा के रास्ते इस जगह के बारे में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बाबा महेश्वर जी ने एक लड़की की आत्मा को यहाँ स्थापित किया है, जिसे वो शादी करने के लिए स्पीति से लेकर आए थे। यहाँ तक तो वो लड़की की आत्मा को ले आए, परंतु यहाँ से आगे महेश्वर जी की पत्नी माँ दुर्गा ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी। बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि महेश्वर जी ने स्पीति की तरह रामपुर के बसारा से भी एक लड़की की आत्मा को ले आया था और उसे माँ दुर्गा के कारण स्थान न मिलने के कारण कहीं पर स्थापित कर दिया। इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पत्थरों के नीचे से पानी गुजर रहा है। यहाँ पूरी खड्ड के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से पुल बना हुआ है। इसमें भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब महेश्वर जी स्पीति जा रहे थे या पिन वैली जा रहे थे, तो उस समय यहाँ इस जगह पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और लोग इसे पार नहीं कर पा रहे थे, तो महेश्वर जी ने अपनी शक्तियों से यहाँ पत्थरों के ज़रिए एक पुल का निर्माण कर लिया। लोगों ने आराम से खड्ड को पार किया। यहाँ से आपको कारा दिखना शुरू हो जाता है और आप देख सकते हैं कारा की खूबसूरती, ग्लेशियर से ढके हुए पहाड़। पीछे अगर आप देख सकते हैं तो वो है मुलिंग। फाइनली मुलिंग से 3 घंटे और आगे चलने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन कारा। ये है कारा की झील, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत। जब भी आप भावा वैली जाएं तो आपको एक बार ज़रूर मुलिंग कारा जाकर प्रकृति के रूबरू होना चाहिए। साथ ही ये भी ख्याल रखें कि हम अपने मनोरंजन के लिए पर्यावरण को किसी तरह की हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो ही हमारा अस्तित्व है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।